नाजरीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता कल बरोज़ शनिचर GFC ग्रीनफील्ड सिटी इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ईद मिलन सेलिब्रेशन का एहतमाम किया गया। ग्रीनफील्ड सिटी के ऑडिटोरियम में इस ईद मिलन के सेलिब्रेशन में ग्रीनफील्ड सिटी सोसाइटी में रहने वाले तमाम मजहब के लोगों ने शिरकत की, एक दूसरे के साथ गले मिलकर भाईचारगी का मिसाल पेश किया। नाज़रीन आपको बताता चलूं, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जिन लोगों की बड़ी मेहनत रही है वो हैं डॉक्टर इंतखाब आलम साहब प्रेसिडेंट GFC इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट, शेख राजू साहब वाइस प्रेसिडेंट, नवीदुल हलीम साहब सेक्रेटरी, जियाउर रहमान साहब असिस्टेंट सेक्रेटरी, इरफान अहमद सिद्दीकी साहब ट्रेजरर और इनकी पूरी टीम। क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम गेस्ट और ऑर्गेनाइजर का, आगे देखते हैं वीडियो में पूरी रिपोर्ट। मुबारक आपको, आज ग्रीनफील्ड सोसाइटी के जानिब से जो ईद मिलन का त्यौहार का एहतमाम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? गार्जियन जो होते बच्चों के लिए बहुत बड़े रोल मॉडल्स होते हैं, आज तमाम गार्जियन हर मजाहब के लोग मिलकर जैसे एक दूसरे के साथ भाईचारे का जो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर इसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला है इस सिचुएशन को देखिए। सबसे आगे मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आज ग्रीनफील्ड सिटी में आके सभी भाई लोग हमारे साथ हैं, सभी लोग ने बहुत ही अफजा अपना दिया है, बहुत ही हमें इज्जत दिया है, तो उनके लिए मैं सभी को शुक्रगुजार हूँ। और सच्ची में आके नहीं लग रहा जो मैं माइक में बोला थोड़ी देर आगे
कि नहीं लग रहा है कि मैं बाहर से हूँ, मेरे को सच्ची में यहाँ लग रहा है कि मैं एक आप लोग के परिवार का एक सदस्य हूँ, ग्रीनफील्ड सिटी का एक रेसिडेंस हूँ। अगर नहीं था तो आज से हो गया हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और ये ईद मिलन का जो उत्सव है, इसमें सभी जाति के लोग, खाली मुसलमान ईद मिलन मनाता है ऐसा कभी नहीं होता है। हमारे यहाँ हिंदू भाई भी एक साथ मिले हुए हैं, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, सब एक साथ मिलके हम लोग ईद मिलन भी करते हैं, दुर्गा पूजा भी करते हैं, होली भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, काली पूजा भी करते हैं, सब एक साथ मिलके करते हैं। ये हमारा जो सुंदर, ये इतना हमारा जो देश है भारत, सब जाति के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं और हमेशा एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम ये हमेशा ये एक मैसेज देना चाहते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त मौजूद है GFC में, ग्रीनफील्ड सिटी में, और हमारे बीच मौजूद हैं जनाब राजू साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं GFC के। सर, क्या कहना चाहेंगे ईद मिलन के मौके पर, एक तारीखी सास प्रोग्राम आपने इनकार किया? देखिए, पिछले साल भी हम लोगों ने यहाँ पर अच्छा पैमाने से हम लोग अच्छे तरीके से ईद मिलन पार्टी किया था। आज हमारे बीच में हमारे खुसूसी मेहमान साहब हैं, सबके यहाँ आने से हम लोगों को बहुत खुशी हुए। हम लोग एक पैगाम देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में। हम लोग एक ईद मिलन जो है ये हमारे मिलने की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग यहाँ आए, हम लोग एक दूसरे के भाई भाई है। आगे भी हम लोग इसी तरह चलते रहेंगे और ग्रीनफील्ड में हम लोग चाहते हैं यहाँ भाईचारगी बने रहे और हम लोग इसी तरीके से हम लोग ईद में उन लोगों को बुलाएं, उन लोगों का दुर्गा पूजा, काली पूजा, होली सब में भी हम लोग शिरकत करते हैं, हम लोग एक दूसरे यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। GFC इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट का एक इनकलाबी कदम, एक तहजीब, एक मोहब्बत को बढ़ावा देना, क्या लगता है वाकई बंगाल जो आज सोचता है, हिंदुस्तान कल सोचता है मोहब्बत, अमन, सुकून के बारे में? वाकई आज हमारे बंगाल एक राह दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है। ये मान लीजिए, अगर हिंदुस्तान का जब आज़ादी का वक्त आया था तो पहले ही बंगाल से आवाज़ उठाता हर काम में। आज बंगाल से देखिए, आज पहला नोबेल पुरस्कार बंगाल से है, बड़ा बड़ा हस्ती जो है हम लोग का बंगाल से। तो हम लोग का बंगाल पूरा हिंदुस्तान को रास्ता दिखाता है, इसमें कोई शक नहीं है। आज देखा गया है कि जिस तरह से GFC गुज़िश्ता 2 सालों से ईद मिलन के प्रोग्राम को लेकर कर रहा है और एक कल्चर को बढ़ावा दे रहा है, भाईचारगी को बढ़ावा प्रमोट कर रहा है, देखा गया कि खवातीन, महिला और बच्चे भी बहुत ही जोश और खरोश से इसमें पार्टिसिपेट किए। किस तरह की प्लानिंग रहती है राजू साहब, ये बताएं? ये प्लानिंग तो हम लोग का शुरू से रहती है प्लानिंग, ताकि इससे अच्छा से अच्छा कामयाब करें। और हमारे जितने भी ट्रस्टी मेंबर हैं यहाँ, जैसे कि आपका इरफान भाई हो गए, मुबशिर भाई हो गए, मेहताब भाई है, रहमान भाई है, उसका नबीदुल हलीम साहब है, डॉक्टर आलम साहब है, CA मेहताब साहब है, तमाम सबका मेहनत से इस प्रोग्राम को हम लोग इतना आगे बढ़ा सके हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी बढ़ाते रहेंगे। आने वाले दिनों में GFC की टीम है यहाँ पर ग्रीनफील्ड सिटी की, इसमें जितने भी लोग यहाँ पर रेसिडेंशियल है, इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? इनको यही पैगाम देना चाहते हैं, हमारे ग्रीनफील्ड सोसाइटी इतनी अच्छी है, इतना भाईचारगी वाली है, इतना मिलन वाले हैं, यहाँ हर मजहब के लोग रहते हैं, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हर प्रोग्राम में शिरकत करते एक दूसरे से। यहाँ से हम लोग एक पूरा हिंदुस्तान में, पूरा कलकत्ता में एक मोहब्बत का पैगाम देते हैं। ये हमारा मोहब्बत का पैगाम है। आज ये जो हम लोग ईद मिलन पार्टी कर रहे, ये हम लोग एक मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। और इससे पहले हम लोग माशाल्लाह एक रमज़ान का भी पार्टी किए थे, अवतार पार्टी भी की, तो उसमें भी बढ़ चढ़ के सब लोग हिस्सा लिए थे, आगे भी हम लोग लेते रहेंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम राजू भाई जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है GFC इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट का, ये अपने पूरे कमेटी को लेकर के ये प्रोग्राम जो आज देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में मिनिमम 15 दिन लगता है और राजू भाई का बहुत मेहनत रहता है। और सिर्फ ग्रीन फील्ड में ही नहीं, यहाँ तक कि मटिया ब्रुज का सरजमीन पे जो बड़ा से बड़ा सोशल वर्क होता है, जैसे बदतल्ला KGN वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जब स्कूल बच्चों को, गरीब बच्चों को बैग टाउन किया जाता है, तो उसमें भी राजू भाई का बहुत योगदान रहता है। अभी हम लोग ने रमज़ान 27 रमज़ान को जो क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन किया, गरीब औरतों में साड़ी, बच्चों में कपड़ा और जेंट्स में लुंगिया पंजाबी, तो उसमें भी राजू भाई का बहुत ताउन रहा। और अभी आने वाला कल में जो हम लोग का ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये पूरे अपने दोस्त अहबाब के साथ कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक हम लोग पहुँच पाए। और यहाँ गेट टुगेदर इसलिए किया जाता है कि अभी हिंदुस्तान में माहौल बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। आप लोग देख रहे, इलेक्शन भी चल रहा, क्या हालत है। लेकिन यहाँ से जो ग्रीन फील्ड से जो एक मोहब्बत दिया जाता है,
हमारे कम्युनिटी से, पंजाबी कम्युनिटी से हमारे सरदार जी हैं, हमारी नन मुस्लिम समाज के सब लीडरशिप है। सबका नाम नहीं जानता हूँ मैं, मुहाजरत चाहता हूँ, लेकिन यही हम लोग का बंगाल का खासियत है और माने खसूसियत है कि जितना भी हिंदुस्तान में माने बरपा कर लिया जाए, बंगाल कभी टूटेगा नहीं इंशाअल्लाह रहमान। और इसी तरह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोग एक दूसरे के फेस्टिवल में शामिल होकर के पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को भी पैगाम एक ग्रीन फील्ड दे रहा है कि भाईचारा से बड़ा कुछ नहीं है। तो नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ, वाकई ईद मिलन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि बंगाल हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में, जिसका मकसद ही है कि अमन सुकून को फैलाना। और हमारे बीच और भी दूसरे मज़हब के बहुत ही स्कॉलर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं हमारे बीच में। सर क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये जो एकता प्यार आपस में बना हुआ है ये बहुत बड़ी चीज़ है, मिसाल है ये दुनिया के लिए। और मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि ये हर साल इसी तरह हमारा प्यार बना रहे और धूमधाम से हम लोग ईद मनाएं। कहे हम जब यहाँ आए थे, हम लोग शुरू में आई थिंक मैं दूसरा रेसिडेंट था, सबसे पुराना मैं ही हूँ, तो हम लोग ने ईद भी मनाया, होली भी सब ने मिल के मनाया आपस में, हमारे कहीं भी किसी के आपस में कोई बैर नहीं था। और ये चीज़ हमेशा बना रहे, मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा। सर क्या कहना चाहेंगे ईद मिलन के मौके पर? दिस इज इन फैक्ट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अ ग्रेट मोमेंट फॉर द एंटायर ग्रीनफील्ड सिटी, नॉट ओनली ग्रीनफील्ड सिटी बट इन आवर एंटायर कंट्री, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऑल द कम्युनिटीज कम टुगेदर इन फेस्टिवल, एंड नॉट ओनली इन फेस्टिवल, इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। द कल्चर ऑफ इंडिया, द की वर्ड इज द प्लूरालिटी, हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे, यही पहले से ही हमारा हिंदुस्तान का यही स्पिरिट रहा। इस स्पिरिट के हिसाब से हम ये एक बात हम बोलना चाहेंगे कि ग्रीनफील्ड सिटी जो ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी में जो भाईचारा, जो फ्रेंडशिप, जो ये कैमराडरी, ये एकदम पूरा छाए हुए है। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर ऑल अदर सोसाइटी, फॉर द स्टेट एंड फॉर द कंट्री, टू ऑल द कम्युनिटी। ये चाहे ये होली हो, चाहे ये दुर्गा पूजा हो, या दिवाली हो, क्रिसमस हो, या ईद हो, हम सब जस्ट लाइक अ ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम लोग एक साथ आते हैं। ये स्पिरिट इंडिया का पहले से है, ये स्पिरिट आगे भी इंडिया का ये तो रहना चाहिए। ऐसे एक ग्रीनफील्ड सिटी एक छोटा इंडिया ही आप मान लीजिए, राइट? सो यही हम बोलेंगे, ये जो स्पिरिट है यहाँ पर ग्रीनफील्ड सिटी इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट का जो इनिशिएटिव है, आई appreciate this initiative from the core of my heart. Thank you. Sir, क्या कहना चाहेंगे एक तारीखी सास दिन, ईद मिलन, मोहब्बत की बातें, नफरत का खात्मा ग्रीन सिटी से होने जा रहा है गुज़िश्ता दो सालों से, क्या कहेंगे? देखिए ईद का पैगाम ही है अमन का, ठीक है, फिर आप ग्रीन फील्ड सिटी बोले, ग्रीन में सब्स में अमन, और अमन के साथ साथ ये कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है, हम सब लोग यहाँ बैठे, सब लोग भाई है, चंचल दा ने बोला, अभिजीत दा बोल रहे, सब लोग बोल रहे, ईद का पैगाम है एक साथ रहो, तो ये हमारा एक साथ रहने का प्रोग्राम है। हिंदुस्तान मतलब क्या, हिंदुस्तान मतलब क्या, हमारी इतने स्टेट्स है, 28 स्टेट है, 28 तरह के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट जॉनर्स, तो ये सब एक स्टेज पे आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश हर साल यही रहती है कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म में सबको मिला के लाए। राजू भाई के काम को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे, एज अ वाइस प्रेसिडेंट जो रोल प्ले कर रहे हैं, एज अ पिलर इन, हम सब एक टीम वर्क है, क्या कहना चाहेंगे? राजू भाई इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ GFC इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट। ये इनका, मेहता भाई का, बाकी सब ट्रस्ट के लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ज़रिए ये सब कुछ आया है, लेकिन इनके आने से, मैं तो अदना सा इंसान हूँ, लेकिन ये लोग इनके रहने से, फिर आप हमारे दूसरे कम्युनिटी के लोग देखिए, अभिजीत दा हो गए, सुमन दी हो गए, मजूमदार हो गए, कम्युनिटी वेलफेयर के हो गए, ये सब एक साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सारी यूनिटी का बात है। ये सब चीज़ हम कोशिश करते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आके ये पैगाम लोगों तक पहुँचाएं, ये मैसेज लोगों तक पहुँचाएं कि दिस इज़ द कल्चर ऑफ इंडिया, यूनिटी इज़ द एसेंस ऑफ इंडिया। सो ये चीज़ हमको आगे ले जाना है, आगे बढ़ाना है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमको इसमें काम आएगी। फरहान क्या कहना चाहोगे, तुम के यूथ हो जी, क्या कहना चाहोगे? बेसिकली हम लोग का भी एक ही मकसद है हमेशा से कराने का, वो है यूनिटी। तो हम लोग यहाँ पे यूनिटी लेके चलते, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे हर मज़हब के लोग यहाँ पे आए हुए हैं,
तो हमारा एक ही पैगाम रहता है, हिंदू मुस्लिम जितने भी हमारे कौम है, रिलीजन है, उन सबको एक जगह लाना। एक सवाल होगा मेरा यहाँ पे, जिस तरह से गुज़िश्ता कई सालों से तुम लगे हुए हो जी जीएससी इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट को एक नाम देने में, और वाकई जो मिलन मोहब्बत का भाईचारा का पैगाम है जी, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? बेसिकली यही हमारा मोटिव है कि हम लोग को एक पैगाम बनना है, हम लोग को इंडिया में एक ही लोग बनना है, कोई मजहब डिवाइड नहीं चाहिए, हम लोग को हमेशा सब लोग को एक साथ रखना है। ईद मिलन आसलन आपके कैम लाग लोग की बोलते चाहिए? पहला बात यह है कि मुबशिर जो लीड है वो मेरा ही ब्लॉक में रहता है, ये मेरा एक्सटेंडेड फैमिली है। फरहान ये भी हमारे ब्लॉक क्लस्टर में रहता है। मैं ये लोग को परेशान करता था कि मिलन उत्सव कब हो रहा है कब हो रहा है, और शायद ये भी है कि जब ये पहला ये हुआ तो फर्स्ट कूपन मैंने ही लिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूँ कि ये मेरा परिवार है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग विश्वकर्मा पूजा करते हैं तो उसमें ट्रेजरर का पैसा का हिसाब संभालने का जो सबसे जिम्मेदारी का रोल वो फरहान करता है। तो ये हमारा फैमिली है, ये हमारे भाई लोग हैं, कोई सब उम्र में छोटे हैं लेकिन बिल्कुल एक परिवार है। तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई गॉड दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। आज के मिलन में आए हैं और तमाम लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे तमाम देशवासियों? जो देशवासी में यही बोलना चाहूँगा कि भाईचारा बने रहें और हम लोग सब मिलके हर फेस्टिवल अच्छा से मिलकर एंजॉय करें, बस। सर, इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है और हर तरह के लोग, हर मजहब के लोग मिलकर रहते हैं। ग्रीनफील्ड सिटी वो एक बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल आज दिखा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? भैया, ग्रीनफील्ड सिटी में यहाँ पे हर कास्ट के लोग रहते हैं और हर कास्ट का फेस्टिवल इंजॉय सेलिब्रेट होता है और उसमें ग्रीनफील्ड का सब रेसिडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो ग्रीनफील्ड सिटी है, यहाँ पे हर कम्युनिटी का लोग है और हर कम्युनिटी का फेस्टिवल को सब मिल के इंजॉय करते हैं, सब मिल के सेलिब्रेट करते हैं। हर सेलिब्रेशन में एक साथ सब सेलिब्रेशन में सब एक संग आते हैं। थैंक यू सर, आपको कैसा लगा आके? बहुत बढ़िया। ग्रीनफील्ड सिटी एक ऐसा जगह है, एक परिवार है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते जैसे भाई भाई। तो आज ईद मिलाद में भी हम लोग सब साथ हैं और गुरुपूरब में भी हम लोग सब साथ हैं, रामनवमी में भी हम लोग सब साथ हैं। ये एक परिवार है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। दादा क्या लगलो? खूब भाल लगलो, मैंने एटा तो जिप्सी हमारे एक फैमिली, तो এখানে শুধুমাত্র মানে অনুষ্ঠান তো আছে, প্লাস আমাদের এখানে একটা খেলাধুলারও খুব ভালো কালচার আছে। আমরা সবাই একসাথে খেলাধুলাও করি, একসাথে তারপরে খাওয়া দাওয়াও করি। আমরা একসাথে যেমন এখানে এসেছি, যেমন আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহেব বললেন যে আমাদের এখানে হোলিও সেলিব্রেট হয়, দুর্গাপুজোও সেলিব্রেট হয়, সবাই আমরা একসাথে থাকি, ইটস লাইক আ ফ্যামিলি। এবং হয়তো আমার পাশেই যিনি আছেন সে হয়তো অন্য কমিউনিটি থেকে বিলং করেন কিন্তু কোনো অসুবিধা সুবিধার মধ্যে, হি ইজ দ্য ফার্স্ট পার্সন উই রিচ আউট। তো ইটস অল অ্যাবাউট দ্য ফ্যামিলি। आपको कैसा लगा? ये ग्रीनफील्ड सिटी एक कॉस्मो सिटी है, यहाँ पे हर धर्म जात के मजहब के लोग हैं और हम लोग सब दुर्गा पूजा, रथ यात्रा, गणेश चतुर्थी, छठ, दिवाली, ईद, होली सब आपस में मिल मनाते हैं और एक साथ रहते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है, एक अच्छा संदेश है लोगों के बीच। बच्चे जो होते हैं वो बड़ों को देखकर सीखते हैं और जब बड़े एक दूसरे से मिलकर मोहब्बत जब बांटते हैं तो बच्चों पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर होता है, क्या कहना चाहिए? नहीं, सही बात है। हम लोग जितने भी गुरुजन होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, ऊँचे है, उसी को देख करके पर्सनैलिटी बच्चे लोग को होता है। और ये इस अवसर पर तो बात है कि सभी हम लोग कम्युनिटी ग्रीनफील्ड सिटी में तरह तरह के सभी कम्युनिटी के आदमी रहते हैं, सभी तरह का हम लोग का ग्रीनफील्ड जो वेलफेयर कम्युनिटी का तरफ से सब पूजा पाठ इस यही जो ईद मिलाद जो है ये भी हम लोग का फेस्टिवल में इन्लिस्टेड है। तो ये बहुत ही बड़ा है कि मेन है प्यार मोहब्बत जो है, हम इंसान हैं इंसान से प्यार करते हैं, आदमी हैं आदमी से प्यार करते हैं, ये सब जो फेस्टिवल है इसको वो चीज़ को साबित करने में मदद मिलता है। थैंक यू। आइए मैं बात करूँगा, मैम क्या कहना चाहेंगी आज एक तारीख की सांस दी? शी इज आवर सनशाइन। क्या कहना चाहेंगी मिलन के मौके पर? जी माशाल्लाह, ये हमारा खुशियों का त्यौहार है, मजहबी त्यौहार है, तो खुशियाँ जब बांट के मनाई जाती हैं तो वो बढ़ती हैं, दुख जब बांटे जाते हैं तो दुख कम होते हैं। तो हमारा मजहबी त्यौहार है, हम लोग चाहते हैं कि बांट के मनाएं। तो आप लोगों ने देखा होगा गंगना जमुना तहजीब यहाँ नज़र आ रही है, मुस्लिम भी है गैर मुस्लिम भी है, और हम लोग
पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी कोशिश और अगले साल हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और बड़े पैमाने पर और अच्छे तरीके से इसको मना सकें। मैम, आने वाले दिनों में यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? जी, सबसे बड़ा पैगाम तो ये है यकजहती, हम लोगों को एक होना है, हमें इत्तेहाद बना के रखना है, तभी जो है हम लोग अपनी जो है वो अपने ईमान अपनी सलामती को बरकरार रख सकेंगे। अगर हम लोगों में एकता रहेगी, इत्तेहाद रहेगा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और सबसे उसके बाद जो है तो तालीम, मुसलमान जो है हम लोग तालीम के मैदान में बहुत पीछे हैं, तो जब तक हम लोग तालीम हासिल नहीं करेंगे हम लोग किसी शोबे में आगे नहीं बढ़ सकते, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बगैर तालीम के हम लोग सिफर हैं। क्या कहना चाहेंगी मैम? सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम बोलूँगी सबको और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये एक फेस्टिवल, दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ पीस एंड लव, बस वी वांट टू स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ पीस एंड लव टू एवरीवन। फ्रॉम मैम, क्या कहना चाहेंगी ईद मिलन के मौके पर, क्या पैगाम देना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, ईद मिलन में मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि एक कॉमिटी के तरफ से जो इतने अच्छे तरीके से एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है, दैट्स रियली ऑसम, और इस चीज़ को आगे भी ऐसे ही बढ़ाई जाए ताकि हम जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, चाहे कैसी भी कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम इन एवरी वन, तो आई थिंक कि मैं चाहूँगी कि आगे भी हम सब ऐसे ही मिल करके एक ईद मिलन हो या दुर्गा पूजा, वॉट एवर फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, सब साथ मिल के ऐसे निकलें। क्या कहना चाहेंगी मैम आज ईद मिलन को लेकर? बहुत अच्छा, वेरी नाइस, हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी गुड, फूड इज़ वेरी नाइस, एंड ओवरऑल इट वॉज वेरी गुड। नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर ईद मिलन का प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसका मकसद ही कि अमन सुकून पूरे देश में, मोहब्बत का पैगाम। वो तो बात करते हैं नफ़रत की, वो तो बात करते हैं नफ़रत की, मैं तो मोहब्बत की बात करता हूँ, मैं तो मोहब्बत की बात करता हूँ। पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। हमारे चैनल पर चार न्यूज़, बंगला, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू 24/7 अवेलेबल है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं शमशुद्दीन कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।